पे कराया था ना उसके बेस पे था क्वेश्चन। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान था, उसका तो इरेशनल नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स का पहले का तो सी आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जेड वन और जेड टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे थे, ये वाले अलग अलग दे रखे थे, ठीक है, और साथ में उनके मोड क्या दे रखे थे, वन दे रखे थे। जेड वन का मोड भी कितना है, वन है, जेड टू का मोड भी कितना है, वन है, ये दे रखे थे, और जिनका सम दे रखा था वो वन दे रखा था, ठीक है। तो हमें एक ट्राइंगल बनानी थी, ट्राइंगल उसके बारे में बताना था, जिसके वर्टिसेस क्या है, एक तो जेड वन है, दूसरा क्या है, जेड टू है, एंड माइनस वन है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, कहता है ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस पे आप सोचो क्या किस किसके वर्टिसेस होंगे ये, क्योंकि इसका मोड भी एक है, इसका मोड भी एक है, इसका मोड भी एक है, तो ये तीन रूट हैं, किस इक्वेशन के रूट होंगे ये तीनों, समझ गए होंगे आप, जो पिछले लेक्चर में करवाया था ना उसी का पार्ट है, तो किसके रूट आएंगे ये। क्यूब रूट वाले के सर सर क्वेश्चन हाँ क्या हाँ वो फर्स्ट हाँ स्लाइड क्या, क्यूब सर ये फर्स्ट स्लाइड है ट्यूरिंग हाँ जी क्यूब रूट आएंगे ना, हाँ जी सर, और वो क्या जी होते सर हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ट्यूरिंग सर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ना ये, तो किसके वर्टिस बनेंगे, ये सर रिलेटेड इक्विलेटरल ट्रायंगल के बन जाएंगे, मतलब बेसिक कंसेप्ट लग सर जाएगा ना, मतलब रूट वाली थ्योरी लग जाएगी इसके ऊपर, ठीक क्योंकि यूनिट मॉडुलस के हैं, तीनों का मॉडुलस वन है और डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब है क्यूब रूट है, ट्राइंगल के लिए वो इक्वल ट्राइंगल बनाएगा हमेशा, अगर फोर रूट होता स्क्वेयर बनाता है, देखो अगर तीन रूट हो स्क्वेयर के ऊपर, अगर तीन रूट हो स्क्वायर के ऊपर और उनका मोड क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या फ्रेम करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर चार रूट हो और उनका मॉडुलस एक हो तो क्या फॉर्म करेंगे, स्क्वायर। अगर पांच रूट हो, रेगुलर फिगर बनाएंगे ना वो, पेंटागन पेंटागन, ये मतलब सर ये तो सर उसी से आ गया ना, वो 2π/n में डिवाइड करते उसी जगह हाँ होंगे तो उसी इक्विलेटरल प्रोसेस से बनाएंगे होंगे, हाँ ये सारे के सारे रेगुलर फिगर बनाएंगे, इरेगुलर फिगर किसी का नहीं बनेगा, रेक्टेंगल कभी नहीं बनाएगा, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से है। हेलो सर हाँ जी हेलो, वन का मतलब क्या चाहिए क्या 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 करवाएं रिपीट कर देंगे ये क्या क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है ना जो दिया था आज, पहले का सी आ जाएगा, उसमें तो कुछ कहानी नहीं है, क्योंकि रूट टू ई की पाई आयटा निकालनी है, रूट टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई आ जाएगा, ये तो माइनस रूट टू के बराबर आ जाएगा जो कि रेशनल नंबर है, बस वो आयलर फार्मूला की पोलर फॉर्म खोलनी है, बस कुछ नहीं करना। क्वेश्चन दिए थे क्या सर हाँ जी किस पे सर स्टेटस पे अच्छा हाँ जी तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना, क्योंकि मैंने रियल कंसेप्ट करवा दिया आपको, ये था मोड जेड स्क्वेयर, ये फंक्शन है जेड का, मोड जेड स्क्वेयर प्लस जेड माइनस थ्री के मोड का स्क्वेयर प्लस जेड माइनस सिक्स आई के मोड का स्क्वेयर, ठीक है, जेड को लिख सकते हो आप एफ एक्स प्लस आई वाई, क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस आई वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई के मोड का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस थ्री के मोड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस सिक्स आई के मोड का स्क्वायर, ये सब खोलना बताया हुआ है,
तो ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दो इसको एफ एक्स वाई, तो आफ्टर सॉल्विंग हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर वो थ्योरी लगाना, कर ली एफ बाई कर ली एक्स करके, ये सारा चैप्टर करवा रखा है मैंने, कर ली एफ बाई कर ली वाई करके। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, इसको जीरो करना है, जीरो करना है, तो एक्स का वैल्यू आएगा वन, वाई का वैल्यू आएगा टू सॉल्व करके। फिर आप एफ डबल एक्स निकालना, एफ एक्स वाई निकालना, एफ डबल वाई निकालना, फिर वो कंसेप्ट लगाना बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी वाला, वो पॉजिटिव आता है मिनिमा आता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए तो यहां रख देना है। ठीक है, ये हम काम कर चुके हैं सारा रियल में, तो आपने खुद ट्राई करना है इसको, समझ आ गया भाई सारा? हेलो, यस सर। सर ये जो एफ एक्स एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ ये तो नंबर में आएगी ना, किसकी? एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई, मतलब ये जो डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे एक्स के टर्म में आएगा ना, ये टू एक्स आएगा, जीरो बन जाएगा, टू इंटू एक्स माइनस थ्री टू एक्स आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं जैसे हमने रियल में ये किया था मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में। हाँ जी, वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे टू एक्स आएगा, दोबारा करेंगे तो वो टू आ जाएगा। कोई बात नहीं, आने दो, तो नंबर में आ जाएंगे ना सारे। आ जाने दो। फिर उसके बाद क्या करना है? वो कंडीशन होती थी, क्या होती थी भाई? ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या होता था? पॉजिटिव। तो आगे बात करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन थी, वो सारी चीजें थी। एक बार ना इसकी मैक्सिमम मिनिमम वाली थ्योरी पढ़ लेना फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, मतलब ये रियल एक कंसेप्ट है जो हम कर चुके हैं, वो यूज हो रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी मिनिमम मैक्सिमम वाली बात होगी वही थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होगी? ना 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 ना, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे। अगर यहाँ मोड की फॉर्म में दे रखे हैं सारे है, एफ जेड है, मोड की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है वही लग जाएगी। अगर यहाँ मोड की फॉर्म में ना होता, सिंपल जेड स्क्वायर होता, फिर थोड़ी लग जाती, फिर ना लग पाती। ओके, जब भी रियल होगा तो लगेगी। हाँ, जब भी रियल फंक्शन होगा एक्स वाई का, क्योंकि रियल फंक्शन बनेगा मोड लगने की वजह से, तो रियल फंक्शन है टू वेरिएबल का। सर इसमें ये पॉजिटिव एसी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है क्या? हाँ, ए ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम हो जाएगी वैल्यू, मिनिमम हो जाएगी। हाँ, किस पॉइंट पे हो जाएगी? एक्स वन और वाई टू पर। तो एक्स की वैल्यू वन रखो, वाई की टू, इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, अब हर जगह ये थ्योरी काम नहीं करती होती है। हाँ, ये थ्योरी कब काम करेगी? जब हमारा फंक्शन क्या हो, रियल फंक्शन हो, रियल वर्ल्ड फंक्शन हो, जब तो ये थ्योरी काम करेगी, क्योंकि वहां मोड होने की वजह से ना। पहले वाला कैसे? क्या कौन सा? मीट्रिक वाला? हेलो, मीट्रिक वाला बोल रहे हो? हेलो, नहीं सर, एक और तो कॉम्प्लेक्स का सर, वो तो सीधा खोलना ही था उसका, तो आयलर अच्छा। फॉर्म खोलनी थी, रूट टू ई पाई आल्टा। ठीक है सर। हाँ, उसके ट्रांसडेंटल फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। रैशनल फंक्शन क्या था? थर्ड का कितनी वैल्यू आई मिनिमम? 30 आई सर। 30 आएगी? 30 आ रही है। मीट्रिक वाले का किया? कौन सा किया है मीट्रिक वाले का? मीट्रिक वाले का किसने किया है? हाँ जी, मीट्रिक वाला किया किसने? वो नहीं किया सर, बस सर, ये दोनों यही किए थे। उसको क्या
सेकंड आ जाएगा सर उसका? नहीं, क्या डी वन मीट्रिक है? क्या डी वन है मीट्रिक ये वाला? नो सर, डी वन नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि डी वन एक्स एक्स देखो, क्या जीरो आ रहा है? कहाँ जीरो आ रहा है? ये तो टू मोड एक्स आ रहा है ना। पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी ओके है, दूसरी प्रॉपर्टी फेल है, तीसरी प्रॉपर्टी इसमें ओके है, चौथी प्रॉपर्टी ओके है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेकिन ये फेल होगी इसलिए मीट्रिक नहीं है। और जो डी टू एक्स वाई है, चाहे कोई नंबर हो, जैसे वन है एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो, और जीरो है अगर एक्स इक्वल टू वाई हो, उस केस में क्या दे रखा है? इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक। ये होती है डिस्क्रीट मीट्रिक। क्यों होती है डिस्क्रीट मीट्रिक भाई? चार प्रॉपर्टी हैं। पहली बात, नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई करती है, यस। फिर डी टू एक्स एक्स कितना आएगा? जीरो, ठीक है, नॉन नेगेटिविटी ओके है। दूसरी है डी टू एक्स एक्स क्या आएगा? जीरो आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि ये केस है, यही वैल्यू आएगी उसमें ना। सेकंड केस में x इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है ना, तो हाँ, इस वजह से मैं बताऊंगा उसके बारे में बताऊंगा सर। अगर हम ऐसे ले लेना x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू वन, x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू टू, मैं बताऊंगा रुको बताऊंगा रुको। और डी टू एक्स एक्स कितना आ गया? जीरो आ गया। फिर क्या है, डी टू एक्स वाई को क्या लेके चलो आप? जीरो लेके चलो, तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो सेकंड प्रॉपर्टी ओके है। सिमिट्री में दिक्कत आती ही नहीं, सिमिट्री में दिक्कत आती ही नहीं। अच्छा, नॉन नेगेटिव सॉरी चौथी ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कैसे करोगे इसको? दो केस बना के चलेंगे, या तो एक्स वाई के बराबर ना हो, ठीक है ना, दो केस बना के चलेंगे। जब आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी कर रहे हैं तो दो केस बना के चलेंगे। पहला केस बना के चलेंगे एक्स इक्वल टू वाई, केस एक। जो जीरो इक्वल टू आपने एक्स इक्वल टू वाई लिखा है वो मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा, मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा, मैं नया क्वेश्चन ला रहा हूँ डिस्क्रीट मीट्रिक वाला ही। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई पे आऊंगा मैं, तो इस केस पे आया। अब तीसरा नंबर क्या लूंगा मैं? जेड लेता हूं, ठीक है ना। अगर x इक्वल टू वाई है, डिस्टेंस कितनी आएगी इनके बीच में? जीरो आएगी, क्योंकि ये रूल लग जाएगा। अब तीसरा नंबर क्या है? जेड है। अब जेड नंबर क्या हो सकता है? क्या पता इनके इक्वल हो, क्या पता डिफरेंट हो, दो केस बनेंगे। क्या हो सकता है? x है जेड से अलग हो सकता है, पहली बात। तो अगर x z से अलग हुआ, y से भी अलग होगा, सीधी बात है कि दोनों बराबर है। अगर x है z से अलग हुआ तो इसका मतलब है y से भी अलग होगा ना, समझ गए बात को? क्योंकि yes, sir. x और y बराबर है, तो x और z के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी? एक, अगर डिफरेंट है। और y और z के बीच में कितनी डिस्टेंस आएगी? एक, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमें ये प्रूव करना होता है ना, ये प्रूव करना होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहां जीरो है, यहां वन है, ट्रू है ऑटोमेटिकली, समझ गए। अब तीसरा केस क्या है? अगर एक्स जेड के बराबर है तो तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है। तो जब मैं ये चीज लेके चला तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है, समझाई बात? अगर मैं ये चीज लेके चलता हूं कि एक्स और वाई क्या लेके चल रहा हूं, मैं डिफरेंट लेके चल रहा हूं। अब दूसरा केस में क्या कर रहा हूं? सेकंड केस में मैं लेके चल रहा हूं एक्स और वाई डिफरेंट, तो डिस्टेंस है जो एक्स वाई के बीच में कितनी बनेगी? अब डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में कितनी बनेगी? ये बन जाएगी
वन, क्योंकि ये वाला केस लग जाएगा। अब तीसरा नंबर है जेड है। अब दो बातें हो सकती है, एक्स और वाई अलग अलग है। अब जेड है क्या पता एक्स के बराबर हो, क्या पता इन तीनों दोनों से अलग हो, क्या क्या केस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखो ना, पॉसिबिलिटी देखो, मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं सारी की सारी। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, एक्स है जेड से भी इक्वल डिफरेंट हो, पहली पॉसिबिलिटी, और वाई से भी डिफरेंट हो, तीनों ही डिफरेंट हो, ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी कि एक्स है जेड के तो इक्वल हो बट वाई से डिफरेंट हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्स है जेड से तो डिफरेंट हो और वाई के बराबर हो, यही तीन पॉसिबिलिटी होगी। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ये प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी इस केस में, वन आएगी, और वाई और जेड के केस में कितनी आएगी, वन आएगी, और एक्स और वाई के बीच में वन है, ये होल्ड कर जाएगा, ये होल्ड कर गया। यहां डी एक्स और जेड के बीच में कितनी आएगी, जीरो आएगी, डी वाई और जेड के बीच में कितनी आएगी, वन आएगी, तो वन लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस वन, ये भी होल्ड कर गया, ये भी होल्ड कर गया, समझ आ गया, समझ आ गया ना, यस सर। तो ये क्या बना देगा, मीट्रिक स्पेस बना देगा, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। चौथा नहीं हो सकता है, एक्स और वाई दोनों बराबर हो गया तो जीरो आ जाएगा ना, ये केस लेके चले वो तो पहले ले लिया था एक्स और वाई बराबर, जी सर, समझ आए भी सारे केस, यस सर। तो इसे बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसने इस क्वेश्चन में दे रखा था डी एक्स वाई इक्वल टू टू, अगर एक्स है वाई से अलग है, और इसने जीरो दे रखा था अगर एक्स है जीरो है, ठीक है। अब देखिए पहले केस में तो नॉन नेगेटिविटी में कोई दिक्कत नहीं आती, होल्ड करेगी इसमें, नॉन नेगेटिविटी होल्ड कर जाएगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आइए, पॉजिटिव डेफिनाइटनेस। पहले क्या करोगे आप, डी एक्स एक्स लेके चलोगे, ठीक है, डी एक्स एक्स क्या होगा, नो प्लीज नो यूवी नो, तो डी एक्स एक्स कितना होगा ये देखना चाहते हैं हम, डी एक्स एक्स कितना होगा बताओ, कितना होगा, जीरो हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि सर टू तो नॉट इक्वल के लिए आएगा, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स तो हो नहीं सकता, तो एक्स इक्वल टू एक्स के लिए जीरो ही बच गया फिर। तो ये तो डिफाइन भी नहीं होगा एक्स इक्वल नॉन जीरो के लिए, तो कुछ डेफिनेशन ही नहीं, देखो देखो जब डिफरेंट लेते हैं तो टू आता है, अगर एक्स जीरो हो तो जीरो आता है सर, फिर ये तो सेकंड केस में आ जाएगा ना, कहाँ डिफाइंड है सर ये मैट्रिक, ये केवल x इक्वल टू जीरो पे जीरो दिया है, x इक्वल टू मतलब d ऑफ 2.2 d ऑफ 3.3 पे क्या होगा, ये कहाँ दिया है इन्होंने, हेलो सर, सर जीरो वाला केस में तो सर y इंडिपेंडेंट है ना, y कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, x इक्वल टू जीरो और y कुछ भी होगा, हाँ y कुछ भी हो, y तो यहाँ पर क्या है आर्बिट्रेरी है ना, y कुछ भी हो सकता है, क्योंकि y जब नहीं गिवन है तो इसका मतलब क्या है, y आर्बिट्रेरी है, जीरो ही होगा, क्योंकि अगर x नॉट इक्वल्स टू y लेंगे फिर ऊपर वाला केस नहीं आ जाएगा, हाँ फिर ऊपर वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो बोल देंगे, आर्बिट्रेरी थोड़ी ना बोल सकते हैं,
सर ये पर एक्स हमेशा जीरो ऐसा भी जरूरी नहीं है ना क्या एक्स कुछ भी हो सकता है ना नॉन जीरो भी हो सकता है ना हाँ, हो सकता है लेकिन उसने वो इसके अंदर इसी केस में समाया हुआ है ना वो भी सर कैसे x इक्वल टू जीरो पे जीरो बोला है ना केवल हाँ x जीरो पे जीरो बोला है x इक्वल टू वन पे क्या होगा सर सर y अगर आर्बिट्रेरी है तो फिर y x भी हो सकता है फिर सेम वाला केस इसी में आ जाएगा देखो 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 बताता हूँ वो चीज इसमें हिडन है क्यों हिडन है देखो जब डिफरेंट लेते हैं तो टू आएगा और ये लिखना चाहिए था इसने अदरवाइज जीरो आएगा ये लिखना चाहिए था इसने तो वैसे तो इसने हाँ। क्या ले दिया है कि अगर x जीरो है तो जीरो आएगा ये लिख के दे दिया इसने मतलब इसने कहने का मतलब है ये इक्वलिटी के लिए दे रहा है ये जब जब केस है ना इक्वल होंगे तो जीरो आएगा यहाँ पे सर ये कह दिया है कि अब सीसा अगर जीरो आएगा ना हाँ ऑर्डिनेट कुछ भी रहेगा तो ये पॉइंट जीरो ही बनेगा डिस्टेंस उस दोनों के बीच का ये बोल दिया अगर डिफरेंट हो गया तो टू आ जाएगा ना सर डिफरेंट नहीं मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे जो है ना जीरो ही लेंगे हमेशा जब दोनों सेम हो जाएंगे तब हमारा जीरो आ जाएगा अगर आपने वाई को कुछ भी लिया ना मान लो एक्स जीरो लिया आपने वाई को आपने मान लो वन ले लिया तो ऊपर वाले केस में चल जाएगा ये डी हाँ जी सर ये थोड़ी है कि आपको मतलब कोई आप सेम होने तो जो सेट एक्स है आपको सेट एक्स यहाँ पर आर स्क्वायर थोड़ी दे रखा है तुम सोच रहे होंगे आर स्क्वायर दे रखा है हम गलती क्या करते हैं यहाँ पर वीडियो ऑफ करिए हम जो मिस्टेक करते हैं इसमें हम ये सोचते हैं कि एक्स है आर स्क्वायर है जो बंदा ये सोचेगा तो वो मिस्टेक कर रहा है यहाँ पर क्या लिखा है एक्स के बारे में क्या जानकारी है बताओ एक्स के बारे में जानकारी क्या है क्या इन्फॉर्मेशन एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो और ना 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 कैपिटल एक्स सेट के बारे में क्या जानकारी है कैपिटल एक्स कहाँ दिया है जिसपे मीट्रिक है रियल नंबर से रियल नंबर रियल नंबर से आर एक्स भी आर से आएगा वाई भी आर एक्स और वाई दो पॉइंट है रियल नंबर फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मिट्टी तो सर आर क्रॉस आर पे ही होगा तो गड़बड़ हो जाएगा सारा अगर ये हो गया तो सर हाँ आर क्रॉस आर से आर कैसे रखे अगर ये डिफाइन कर रखी है तो नॉट मैट्रिक है हाँ फिर तो नॉट मैट्रिक है भाई क्योंकि डिफाइन ऐसे हो ही नहीं सकती डिफाइन ऐसे हो ही नहीं सकती यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है इसने यहाँ पर क्या लिखना चाहिए एक्स इक्वल टू वाई इसको ठीक करो क्योंकि अगर जीरो ले लिया ना ये डिफाइंड नहीं होगी नॉट डिफाइंड समझा रही बात तो ये एक्स इक्वल टू वाई जीरो है अगर एक्स नॉट वाई है तो टू है क्योंकि अगर एक्स जीरो हो जाता तो हम आंसर लिख ना नॉट डिफाइंड आएगी नॉट डिफाइंड नॉट मैट्रिक फिर चेंज हो जाएगा आंसर हाँ. फिर कौन सा आंसर आएगा नॉट अगर एक्स जीरो दे रखा है तो इसका मतलब क्या है नॉट ए मीट्रिक नॉट ए मैट्रिक तो नॉट ए मीट्रिक में कौन सी बनेगी ओनली डी थ्री बनेगी हाँ फिर बी आएगा फिर बी सही होगा फिर आप ठीक है हाँ हाँ अगर एक्स और वाई इक्वल दे रखे हैं फिर क्या बन जाएगी ये मीट्रिक बन जाएगी तो जब मीट्रिक बन जाएगी तो कौन सा ठीक हो जाएगा समझ आ गई बात अब सर इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं x बराबर जीरो दे रखा है जो तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे मतलब जहां पे x जीरो होगा उस पॉइंट पे मतलब वो मैं जीरो देगा तो इसका मतलब y बराबर जीरो भी वन वन पे वन वन कहां से लेके आएगा ना दिक्कत ये है वन वन कहां से लेके आएगा क्योंकि डोमेन में तो है वन 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 पे कौन सी वैल्यू लेगा ये बड़ा लेगा केस या ये बड़ा लेगा उसमें तो वन वन पे क्या बन जाएगा ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है सर ऐसे भी कह सकते हैं कि डी एक्स वाई एक बार जीरो ले लेते हैं तो उसमें डी एक्स वाई जीरो लेंगे तो एक्स एक्स तो जीरो होगा लेकिन सर वाई के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना फिर ये मैट्रिक्स नहीं बना पाएगा सेकेंड केस जो है वो फेल कर जाता है सर डी एक्स वाई जीरो लेंगे ना हाँ
तो एक्स तो जीरो आ जाएगा, लेकिन वाई के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? नीचे से सर, एक्स के बारे में केवल जीरो दिया है। लेंगे ना डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाई करेगा एक्स इक्वल टू जीरो, लेकिन वाई तो हम क्या कहेंगे फिर? फिर देखो वाई ना, तो कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपने वाई या जीरो से अलग लिया तो ऊपर वाले में चला जाएगा, वो टू नहीं बन जाएगा, वो तो ऊपर वाले में चला जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा जी सर, तो नॉट एमिटिंग बनेगा जी सर, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि अगर आप मान लो डी जीरो वन कैलकुलेट करते हो, इसमें डी जीरो वन कैलकुलेट करते हो तो ऊपर वाले में चला गया, टू देगा वो, नॉन जीरो देगा वो तो बन जाएगा सर। हाँ, एक्स जीरो लेंगे तो नहीं बनेगा, अगर एक्स इक्वल टू वाई लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है जी सर। हाँ, अब उसमें कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चन थे आपके, आंसर बता दो सर उनके, बता तो दिए, दोबारा से बता, आंसर मैं थी नहीं तो। पहले का तो है सी, दूसरे का है ए, तीसरे का है सी, ठीक है। अब देखो जहां पर कॉम्प्लेक्स में ना कंपैरिजन होता है, जैसे हम कई क्वेश्चन कर रहे थे कि मोड वाले उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे बताते होते हैं, उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन क्वेश्चनों को आपने कैसे सॉल्व करना है, जैसे ट्रिक होती है इनको सॉल्व करने की। कहां गया ये? ये है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन है इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सैटिस्फाइंग मोड जेड माइनस थ्री माइनस टू आई लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है। ये पूछ रहा है किसी की मिनिमम वैल्यू, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू जेड माइनस सिक्स प्लस फाइव आई का मोड इच कितनी होगी। जैसे पहला ऑप्शन है थ्री, दूसरा है फोर, तीसरा है फाइव और फोर्थ है फाइव बाय टू, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाए, इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों करने का ट्रिक क्या है ये देखना है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगा आपको, थ्योरी एक बुक में दिया हुआ था, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, जैसे वो क्वेश्चन था पिछले वाला, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरी करना थोड़ा थोड़ा जरूरी है।
किस बुक में था, देखा था मैंने, हाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट देखा था मैंने, फाइंड आउट करने वाला ये। कराता हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए पहले, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप एक किसी की वैल्यू निकाल दोगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जैसे इफ इफ जेड माइनस प्लस आई का मोड लेस देन इक्वल टू टू, वैसा ही क्वेश्चन है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट, दोनों वैल्यू का आता है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ, कोई नया फंक्शन दे देगा, जैसे पिछले में दे रखा था कुछ और, यहां दे दिया मोड जेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो हमने इनइक्विलिटी पढ़ी थी ना, उनका यूज करेंगे। तो इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, सभी में ये लॉजिक लगेगा। अब आपको ये दे रखा है, ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, कौन सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर कितना है, ये क्या है, सेंटर है टू माइनस वन, और रेडियस कितनी है टू, क्या आएगा इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, मतलब ये पोर्शन आएगा इसका। और हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू मोड जेड के बारे में पूछ रहा है वो, तो मुझे ना किस तरह मोड जेड लेके आना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है, और इसका यूज करना पड़ेगा मुझे, इसका यूज करूंगा मैं, इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसी के टर्म में मोड जेड बना देता हूं, तो मोड जेड की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, मोड जेड लिखना चाहता हूं, मोड जेड है इसी के टर्म में लिखना चाहता हूं, एक बार तो माइनस टू प्लस आई एड कर दो, और एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो आप इसी को लेके चल पड़ो, आप इसी को लेके चल पड़ो, जेड माइनस टू आई मोड को इसको लेके चल पड़ो, और यहां कंसेप्ट लगा दो कि ये किससे ग्रेटर होगा। हमने याद हो आप लोगों को कल है एक इनइक्विलिटी की थी, ये वाली जेड वन जेड टू का मोड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जेड वन का मोड माइनस जेड टू का मोड, ये इनइक्विलिटी यूज की थी, तो इसी इनइक्विलिटी को यूज कर लो। तो ये क्या आएगा, इसको जेड वन मान लो, यानी कि मोड जेड प्लस बीच में माइनस लगा दो, माइनस टू प्लस आई, माइनस टू प्लस आई इसका मोड, ठीक है ना, यही बढ़ेगा ना, तो ये लगा दो। तो फिर यूज करो, कितना होगा ये, जेड माइनस टू प्लस आई का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, रूट फाइव बनेगा, ठीक है ना, इतना ही बनेगा ना। ये गलती हो रही है कुछ, गलती हो रही है भाई, पूरे का मोड लगता है, पूरे का मोड, तो पूरे का मोड लगेगा, और यहां क्या यूज कर सकता हूं मैं, टू, तो टू लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस रूट फाइव पूरे का मोड। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, मोड ऑफ जेड माइनस रूट फाइव पूरे का मोड लेस देन इक्वल टू टू। अब ये एक रियल नंबर की तरह है मोड, क्योंकि ये रियल नंबर है, अंदर रियल नंबर का मोड है, तो रियल नंबर किस किस के बीच में होगा, वो रियल नंबर होगा माइनस टू से ग्रेटर और प्लस टू से लेस, ठीक है। तो फिर मैं आगे इसको सॉल्व करूं तो रूट फाइव को एड कर दूंगा, तो रूट फाइव माइनस टू, यहां आएगा मोड जेड, यहां आ जाएगा रूट फाइव प्लस
तो ये वाली वैल्यू जो आएगी आपकी, ये लिस्ट वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू लिस्ट वैल्यू आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में जो ट्रिक लगती है हमारी, एक तो ये वाली लगती है जेड वन प्लस जेड टू का मोड लेस देन इक्वल टू जेड वन का मोड माइनस जेड टू का मोड, एक ये लगती है जेड वन प्लस जेड टू का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड वन का मोड माइनस जेड टू का मोड और पूरे का मोड, क्योंकि क्या पता नेगेटिव हो, उससे तो ग्रेटर होगा ही, ये जेड वन मोड उससे तो ग्रेटर ही होगा, वो जो हमने प्रूव करी थी इसका ही प्रूफ भी है, हमने ये प्रूव करी थी उस दिन, इससे तो ग्रेटर होगा ही होगा, क्योंकि तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो भी होगा, अगर मोड लेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी है ये उससे भी ग्रेटर आएगी। तो ये दो ट्रिक लगती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो अब मैं उन क्वेश्चनों की तरफ लौटता हूं जो उस तरह के वो पूछ रहा है आपसे। समझ आ गया भाई सबको ये? हम इसके तीन चार क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। हाँ जी, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना शॉर्ट में। शॉर्ट में ये है कि आपको ये दो इनइक्वलिटी लगानी होती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसका यूज करना होता है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके लिए। सर अनरूट फाइव कैसे लिया आपने इसमें? इसका रियल में जैसे खोलते हैं इनइक्वलिटी उस तरह नहीं खोल सकते हैं सर यहाँ पे। कैसे? हेलो सर, वैसे कैसे खोलोगे फिर यहाँ रियल में? जैसे मोड एक्स लेस इक्वल तो माइनस ए लेस इक्वल एक्स, यहाँ ऐसे नहीं कह सकते उस तरह नहीं, यहाँ पे खोल सकते ऊपर वाले जो देन वन है, आप ये कहो जेड ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन वन, रॉन्ग, इस तरह नहीं कर सकते हैं। नो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, कौन ग्रेटर है कौन लेस है, रियल नंबर का कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि मोड जेड क्या है, एक रियल नंबर है, मोड जेड एक रियल नंबर है, लेकिन जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हेलो सर, हाँ जी, जरा सा हट गए थे हम सर, इसलिए हमें सेंटर और रेडियस बता देते सर। सेंटर तो जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वो सेंटर होती है, और जो राइट साइड में रेडियस, इस सर्कल की इक्वेशन होती है ये वाली, वहाँ टू और माइनस वन जो आया वो पूछ रहे थे सेंटर वाला। हाँ, ये सेंटर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना इस जेड नोट, ये सेंटर होता है, और राइट साइड वाली जो आर होती है रेडियस होती है। तो सेंटर दो हो गया, वो साइन उसका चेंज कर देना सेंटर के बाद देने के बाद। हाँ, माइनस जेड नोट करना है ना। हुँ. अब जेड नोट क्या होता है, सेंटर होता है इसका, तो माइनस जेड नोट कर रहे हो आप, तो माइनस जेड नोट तो ये वैल्यू आएगी ना। ठीक है सर, अब देखिए इसका एक दो क्वेश्चन और, क्योंकि इसके क्वेश्चन कहाँ गुम हो गए क्वेश्चन इसके। अब जैसे ये है, इफ क्वेश्चन ये है, इफ मोड जेड माइनस आई, इसका मोड है लेस देन इक्वल टू टू है, एंड जेड नोट जो है वो है फाइव प्लस थ्री आई है, देन The maximum value of i z plus z नोट के मोड की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमने। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट है यहां रख के देखना है, मतलब दैट इज किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, दैट इज
ये पूछ रहा है आई जेड प्लस फाइव प्लस थ्री आई की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और हमें यूज है इसका करना है, यहां पर इसका यूज करना है। लेकिन यहां जेड माइनस आई तो नहीं बन रहा, यहां जेड माइनस आई नहीं बन रहा, तो मुझे जेड माइनस आई की फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जेड माइनस आई की फॉर्म में कैसे बनाऊंगा इसको, आई कॉमन ले लूंगा, यहां जेड रखूंगा ना अकेला, तो उसको आई कॉमन ले दिया तो कितना बैठेगा ये जेड आई से डिवाइड होगा। अगर आई से डिवाइड होगा तो उसका रेसिप्रोकल कितना होता है, वन बाई आई का माइनस आई होता है, तो क्या बनेगा माइनस फाइव आई और थ्री आई से मल्टीप्लाई होगा माइनस आई, प्लस का थ्री बनेगा पूरे का मोड, यानी कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो वहां पर हमें दे रखी है इसके जो ऑप्शंस ले रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है 2 प्लस रूट 31, सेकेंड दे रखा है 7, थर्ड दे रखा है रूट 31 माइनस 2 और फोर्थ दे रखा है इसका नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस है। अब क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो लेस देन इक्वलिटी में लगाऊंगा मैं, इसका यूज हो जाएगा यहां पर। अब हमें वो ट्रिक करने की जरूरत नहीं है जो मोड लेने की है, क्योंकि मैं जेड माइनस आई की फॉर्म बनाऊंगा यहां पर, तो माइनस आई की फॉर्म में बनाऊंगा ना मैं, जेड माइनस आई कर दूंगा, इसके दो टुकड़े कर दूंगा, माइनस फोर आई कर दूंगा, प्लस थ्री कर दूंगा पूरे का मोड, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है ना, इसलिए मिनिमम भी पूछ रहा है ये, तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड माइनस आई का मोड प्लस माइनस फोर आई प्लस थ्री का मोड। ठीक है, तो जेड माइनस आई के मोड की वैल्यू यूज कर लूंगा, कितनी आ जाएगी 2 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है रूट 25, तो 2 प्लस 5 7 आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 7 होगी इसकी, तो इस पे टच कर दूंगा मैं। समझ आया? मिनिमम के लिए क्या करते हैं? हाँ, अगर इसकी मिनिमम पूछता तो, अगर इसकी मिनिमम पूछता फिर वही ट्रिक लगाते हम। चलो मिनिमम के लिए। हेलो सर। यस सर। हाँ जी, ये जेड तो एक्स प्लस आई वाई है ना? हाँ, आई ओटा वाई है, तो ये जेड नोट क्या है? जेड नोट गिवन पॉइंट है, प्लेन में पॉइंट है ना ये, एक्स नोट, एक्स नोट कितना है 5 और y नोट कितना है 3 है, 5.3 पॉइंट है, z नोट कोई गिवन पॉइंट होता है सर। हाँ, गिवन पॉइंट है ना, इसमें उसकी वैल्यू पूछ रहा है ये, कहता है इसकी वैल्यू निकाल, पजल करने के लिए यही पूछ सकता था, इसकी वैल्यू निकाल। ठीक है सर। अच्छा, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता ये, फिर मैं क्या लगाता, वो वाली इनइक्वलिटी, फिर वो वाली इनइक्वलिटी काम करती यहां पर, जेड वन प्लस जेड टू का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड वन मोड माइनस जेड टू मोड और पूरे का मोड, ये वाली, क्योंकि इसकी पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो जेड माइनस फाइव आई प्लस थ्री का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूं, एक तो मैं कर देता हूं जेड माइनस आई और दूसरा कर देता हूं मैं माइनस फोर आई, माइनस फोर आई प्लस थ्री। ठीक है, इस पे लगा हुआ है, पहले तो ये इक्वल में लिख लो, इक्वल में लिखेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड माइनस आई का मोड प्लस, प्लस नहीं आएगा बीच में, माइनस माइनस फोर आई प्लस थ्री
माइनस फोर आई प्लस थ्री का मोड, समझ गए ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। हाँ पूरे का मोड आ जाएगा, पूरे का मोड आ गया। और यहां पर क्या है ये वैल्यू क्या है, इसका तो नहीं यूज हुआ भाई, इसका तो नहीं यूज हुआ यहां पर, सर इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं, हम दोनों कॉमन ले लेते हैं लगा के और इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर सर रेड मोड का मोड ग्रेटर देन होता सर, अगर माइनस कॉमन लेके लगाए, माइनस कॉमन ले कैसे सर, माइनस से इक्वालिटी चेंज हो जाएगी सर, सर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू माइनस टू आ जाएगी ना सर, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मॉड के अंदर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, पर इनइक्वालिटी तो चेंज जाएगी ना सर उससे। या तो एक सर इसको या तो ऐसे कर लीजिए ना, जैसे एक बार जेड मतलब जेड माइनस आइटा इज लेस देन टू करके करिए, एक बार जेड माइनस आइटा इज इक्वल टू टू करके करिए, तब उस कंडीशन जो हमने क्वेश्चन पे थ्योरी अप्लाई करी थी वो करके देखिए इस पे। ये जो वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है आयोटा जेड नॉट प्लस जेड की मोड की, और ये सॉल्व करके कितना आया है, ये सॉल्व करके आया हुआ है जेड माइनस फाइव आयोटा प्लस थ्री का मोड, ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके चलिए, टेक इट, इसको लेके चलना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा ये। टेक जेड माइनस आई का मोड क्या है, लेस देन इक्वल टू टू, तो मुझे ये टर्म बनानी है, तो ये टर्म है यहां बना दीजिए। कैसे बनेगी ये, जेड माइनस फाइव आई प्लस थ्री कर दीजिए और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, प्लस फाइव आई माइनस थ्री कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आई कर लीजिए, लेस देन इक्वल टू टू, अब बन गया। तो क्या बन गया ये, जेड माइनस फाइव आई प्लस थ्री, इसको तो रखिए क्योंकि रखना है, ये बन गया फोर आई माइनस थ्री, ये बन गया पूरे का क्या है मोड है, सॉरी क्योंकि यहां तक तो मैं उसी का सारा ले रहा हूं जो मैंने बेसिक में बताया था आपको। ठीक है, और ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा जेड जो ये है जेड माइनस फाइव आई प्लस थ्री प्लस फोर आई माइनस थ्री पूरे का मोड, ये हो जाएगा किससे, हो जाएगा जेड माइनस फाइव आई प्लस थ्री के मोड से माइनस फोर आई माइनस थ्री के मोड से और पूरे का रूट। ठीक है, तो इसका कितना आएगा मोड, मैं इसको लिख सकता हूं जेड माइनस फाइव आई प्लस थ्री का मोड माइनस कितना हो जाएगा, सोलह नौ पच्ची पांच पूरे का मोड, बीच वाले को इसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको रख लीजिए टू, इससे आपकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। बस ट्रिक है वही याद रखिए जो मैंने बताई थी, तो किसी से बीच में होगी क्योंकि रियल वैल्यू है, तो जेड माइनस फाइव आई प्लस थ्री मोड माइनस फाइव है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी माइनस टू से, लेस देन हो जाएगी टू से।
ठीक है, तो पांच ऐड कर दीजिए, फाइव माइनस टू ये आ जाएगी मोड जेड माइनस फाइव वाई प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू, फाइव ऐड किया तो सेवन, तो थ्री और इसके बीच में आ जाएगी। ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। तो लीस्ट कितनी होगी थ्री, ग्रेटेस्ट कितनी होगी सेवन। चल गया पता? हाँ जी क्लियर है ना? हेलो, यस सर क्लियर है। सर आयोटा जेड प्लस जेड नोट ने पूछा हुआ था, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया ना, वो इसके बराबर है ना, प्रूफ कर किया तो ना प्रूफ। सर आपने वो थोड़ा सा गलत दिया, आयोटा जेड प्लस जेड नोट था। हाँ तो ये प्रूफ कर दिया है इसके बराबर आया है। हाँ जी एक बात बता दो, देखो इसको लेके चलो सवाल में, हमेशा इसको लेके चलो, इसको लेके चले। अब जिसको निकालना है उसको लेके आओ यहाँ पर, तो क्या निकालना है, जेड तो है ही है मेरे पास माइनस फाइव वाई प्लस थ्री, माइनस फाइव वाई किया तो प्लस फाइव करना पड़ेगा, प्लस थ्री किया तो माइनस थ्री करना पड़ेगा, ये यूज कर लिया। अब इसको पूरे को रखना है, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पता है ये इनइक्वलिटी जेड वन प्लस जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जेड वन मोड माइनस जेड टू मोड पूरे के मोड से, क्योंकि मैंने उसका यूज भी कर लिया, दोनों का यूज एक साथ कर लिया, ये लेस देन इक्वल टू टू है, तो ये लेस देन इक्वल टू टू आ गया। अब ये क्वांटिटी रियल नंबर का मोड अगर लेस देन इक्वल टू टू आता है तो वो क्वांटिटी माइनस टू और टू के बीच में होती है। बस ये कंसेप्ट लग रहा है, हमने ये रियल नंबर में पढ़ा हुआ है ना, अगर एक्स का मोड है ए से लेस देन इक्वल टू आता है और ए कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो एक्स की वैल्यू इसके बीच में आती है, माइनस ए और प्लस ए के बीच में आती है। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन करते हैं ट्राई इसकी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी पूछेगा वो तो हम कर सकते हैं। अगर हाँ क्या कह रहे हो सर? हाँ, जैसे बैक कर दीजिए एक मिनट, जैसे जेड माइनस आईटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा हो तब उस कंडीशन में हम ना उस कंडीशन में नहीं यूज कर सकते इसको, उस कंडीशन में नहीं यूज कर सकते ना, मतलब और कुछ वैल्यू दे दे उसका मैक्सिमम, अगर इक्वल वगैरह है फिर यूज कर सकते हैं इक्वल में जी, अदरवाइज उस तरह से। ओके सर, अब एक दे रहा हूं मैं, सोचो इसके ऊपर हमें क्या है, ये पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू, क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड व्हेन जेड सेटिस्फाई द कंडीशन, कंडीशन दे रखी है जेड प्लस टू बाय जेड पूरे का मोड इक्वल टू टू एच, फर्स्ट दे रखी है रूट थ्री माइनस वन, सेकंड दे रखी है रूट थ्री, थर्ड दे रखी है रूट थ्री प्लस वन और लास्ट दे रखी है रूट टू प्लस रूट थ्री। अगर आप इसको कंडीशनल एक्सट्रीमम से करोगे, ये उसमें भी किया था हमने रियल एनालिसिस में, उसे लेंथ ही पड़ेगा, ये एक कंडीशन गिवन होती थी उसकी वैल्यू निकालनी होती थी एफ की, ये फाई कंडीशन दे रखी है उससे भी हो जाएगा लैग्रांज मल्टीप्लायर से भी, ये लेकिन उससे लेंथ ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका यूज करना चाहते हैं और इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, बस सारा खेल यहां पर है, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका यूज करना चाहते हैं। कैसे करोगे, कैसे करेंगे, जेड प्लस टू वाई जेड का
मोड जेड की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, कैसे करेंगे फिर? क्योंकि अगर इसको x प्लस आई वाई में चेंज करेंगे तो ही मुश्किल है, ये इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी, वहां से निकालना ही बहुत मुश्किल है। सर इसको लिख सकते हैं ना, z प्लस टू इंटू जेड कंजुगेट मॉड पूरे का इक्वल टू टू, फिर वो फॉर्मूला सर लगा के पूरी है ना। सर ये मॉड ऊपर नीचे सेपरेट होता है क्या? सर हाँ, इसको ऐसे कर लीजिए, जेड स्क्वायर प्लस टू कर लीजिए इधर, मतलब वो जेड इज लेस देन जीरो करके, फिर एक बार जेड इज लेस देन दो कंडीशन लगा लीजिए, फिर उससे निकल जाएगा सर। लेती पड़ेगा भाई उससे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, वही वाली जो मैं कर रहा था पहले ही, इसको लेके चलेंगे जेड प्लस टू वाई जेड को, और हम जेड चाहते हैं, जेड चाहते हैं, तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, इसको लेके चलो, इसको लेके चलो, ये वाली लेके चलते रहे, तो ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होती है? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होती है मोड जेड माइनस टू बाय मोड जेड पूरे के मोड से, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है? टू है, यूज कर दी, तो इसका मतलब है मोड जेड माइनस टू बाय मोड जेड है वो किस किस के बीच में आएगा? वो आएगा ग्रेटर देन माइनस टू, लेस देन इक्वल टू टू। समझ में आ गई बात? ये समझ आ गई ना? यहाँ तो वाली कंडीशन ही लगाई है ना? हाँ, कंडीशन लगाई क्योंकि रियल नंबर है, ये रियल नंबर का मोड है, अगर लेस देन ए हो तो वो एक्स है माइनस ए और ए के बीच में होता है। अब इसमें से आप है ना कोई दो इनइक्वालिटी यूज कर लो, कोई या तो ये कर लो यूज या लास्ट वाली दो यूज कर लो, ये दोनों यूज कोई दो कर सकते हो आप, आइदर दिस वन और दिस वन जो सर्कल लगा है। देखिए मोड जेड माइनस टू बाय मोड जेड है, लेस देन इक्वल टू टू है। अब मोड जेड है, देखो जेड जीरो तो है नहीं है यहां पर, अदरवाइज फंक्शन देता नहीं, यहां पर डिफाइंड ना होता तो जेड नॉन जीरो है, क्लियर कट है ये बात, तो जेड यहां पर क्या है? नॉन जीरो नंबर है, क्लियर कट है। तो मोड में या तो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये क्या बनेगा? मोड जेड स्क्वेयर माइनस टू लेस देन इक्वल टू टू मोड जेड बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? मोड जेड स्क्वेयर माइनस टू मोड जेड माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो बनेगा। और मोड जेड कैसा नंबर है? एक रियल नंबर है, रियल नंबर है ना, क्योंकि मोडलस क्या आता है? एक रियल नंबर आता है। इसको मैं रियल नंबर की जगह रिप्लेस कर सकता हूं, मैं इसको ना एक्स कह दूं या पी कह दूं या आर कह दूं, कुछ मर्जी कह दूं, मैं मर्जी है मेरी, मैं इसको R कह देता हूं, रियल नंबर है। तो क्या
यहां से बन जाएगा आर स्क्वेयर माइनस टू आर माइनस टू माइनस टू आर माइनस टू हाँ ठीक है, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो पहले मैं इक्विलिटी के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। इक्विलिटी के लिए आर की वैल्यू कितनी आएगी, टू प्लस माइनस बी स्क्वेयर फोर और एट डिवाइड बाय टू, तो ये आएगी वन प्लस माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो ये वैल्यूज आएंगी। अब मैं इसको फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, फैक्टर की फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा आर माइनस वन प्लस रूट थ्री इंटू आर प्लस आर माइनस, सॉरी दो रूट, यहां से तो डायरेक्ट भी हो जाता ना सर। हाँ, वन माइनस रूट थ्री क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो उनके बीच में होंगे, जो आर आर लाई करेगा ना उनके बीच में लाई करता है ना, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, अगर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है लेस देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स है ए और बी के बीच में लाई करता है, क्योंकि इस साइड में क्या होता है पॉजिटिव, यहां क्या होता है नेगेटिव, यहां क्या होता है पॉजिटिव, तो आर लाई करेगा किसकी, छोटा नंबर कौन है यहाँ वन माइनस रूट थ्री और बड़ा नंबर कौन है वन बाय रूट थ्री, तो इसका मतलब है आर है इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू इससे होगा। तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो रूट थ्री प्लस वन, अगर मिनिमम पूछता तो वन माइनस रूट थ्री। हेलो सर, सबको हाँ जी सर, यहाँ पे जेड स्क्वायर, सर यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस मोड जेड स्क्वायर माइनस टू मोड जेड और प्लस वन कर लेते माइनस थ्री लेस इक्वल जीरो, तो मोड जेड प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाता लेस इक्वल थ्री हो जाता, फिर रूट हम स्क्वायर हटा देते उधर रूट थ्री हो जाता, फिर मोड जेड उधर वन कर देते तो मोड जेड लेस इक्वल रूट थ्री प्लस वन, उस तरह तो सर यहाँ पे हो जाता ना। हाँ हाँ, उस तरह से कर सकते थे आप, सही कह रहे हो आप, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते। हाँ, तो वहां से भी हो जाता, डायरेक्ट निकल जाता वहां। हाँ, डायरेक्ट निकल जाता, मिनिमम वैल्यू भी पता चल गई ना सर। हाँ हाँ हाँ, आप यहां से कर देते कैसे, मोड जेड स्क्वायर माइनस मोड जेड प्लस वन बनाना था तो क्या ऐड करना पड़ेगा, थ्री माइनस थ्री, प्लस वन बनाना था, प्लस वन कर दो माइनस वन कर दो, क्योंकि आपने वन बनाना था तो प्लस वन माइनस वन कर दो, लेस देन इक्वल टू जीरो, इनको ले लो और इसको ले लो, तो यहाँ मोड जेड माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा तो लेस देन इक्वल टू थ्री, तो मोड जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, तो मोड जेड लेस देन आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन, प्लस वन, यस सही कह रहे हो। तो सर इसको जो हम बता रहे थे जैसे मोड जेड प्लस टू अपॉन मोड जेड जो उस तरीके से बताया था उससे भी तो आएगा सर, क्योंकि ये जो मॉडुलस बताओ कैसे, आप बताओ जैसे यहाँ पे जेड स्क्वायर कर लेते पहले इसको सॉल्व कर लेते जेड स्क्वायर प्लस टू, सॉल्व कर लो नहीं जेड स्क्वायर प्लस टू टू और इधर मॉड नीचे है ना सर। हाँ 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 हाँ, ये सेपरेट हो जाएगा सर, मॉड जेड स्क्वायर प्लस टू मॉड इक्वल टू टू मॉड जेड, अब बताओ आगे टू मॉड जेड, अब इस पे सर इधर इसको ले आते सर टू टू जेड को, हाँ उधर ले जाओ इसको, जेड स्क्वायर प्लस टू माइनस टू मॉड जेड, अब बताओ आगे, अब इसको जो ये है ये वाला जो पोर्शन है सर जेड स्क्वायर प्लस टू को हम इसको होल स्क्वायर में बना ले, बनाओ क्या बनाओगे, होल स्क्वायर कैसे बनेगा ना, ये तो मोड के अंदर पूरी क्वांटिटी है, कैसे बनाओगे, अगर मैं उसका यूज करूं ना, मैं उसका भी यूज करूं तो इतना आ जाएगा ये, क्योंकि मैंने ना ना उसका तो यूज होएगा नहीं भाई, वो कौन सा मोड जेड के वाला, उसका तो यूज होगा ही नहीं, यहाँ ब्रेक लग जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। तो इसको हमने ऐसा सॉल्व किया मोड जेड साइड एक टर्म ले जाएंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो सर तब हो सकता है, क्या क्या करें बताओ, सर जी उधर लेके चले जाएंगे टू मोड जेड और फिर स्क्वायर करेंगे,
फिर फोर में सकता है, फिर फोर में क्वालिटी बनेगी कैसे हो जाएगा? यस सर, इससे लॉन्ग हो जाएगा, तो भी हो रहा है। हम बताओ 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 कर देंगे। सर मॉड जेड में हमने क्या किया, प्लस माइनस टू बाय जेड कर दिया मॉड जेड में, और फिर मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जो अभी आई थी। हाँ वही आएगी। हम्म, वही आएगी। चलो इस टाइप का एक और करके लास्ट फिनिश, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इफ जेड माइनस फोर बाय जेड, कल मैं इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दूंगा, आपने ट्राई करने हैं क्योंकि सारा चैप्टर ही पहला हो चुका है इस तरह का जो बेसिक है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड इज, मैक्सिमम पूछ सकता था रूट फाइव, और रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव माइनस वन, नन ऑफ दीज, बताओ कौन सा आएगा। मैक्सिमम पूछ सकता है इसमें, दोनों में से कुछ ही पूछ सकता है। कितना आया भाई? वन माइनस रूट फाइव आया सर। हाँ वन माइनस रूट फाइव आएगा, सही कह रहे हो। और मैक्सिमम सर वन प्लस रूट फाइव। हाँ वन प्लस रूट फाइव आ जाएगा। सेम प्रोसेस है सोल्व करने का। इन क्वेश्चनों को हम है ना कि मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से भी करेंगे, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से भी करेंगे। इनको सॉल्व करने की कई ट्रिक्स होती हैं, ये तो हम बेसिक ट्रिक्स जान रहे हैं, आगे यही क्वेश्चन मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से होंगे, थ्योरम से होंगे। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation z square plus z conjugate equal to zero, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है ये, हमारा एकदम से ध्यान आता है कि इसके दो सोल्यूशन बनेंगे, ऐसा लगता है हमें दो बनेंगे, लेकिन दो नहीं बनते इसके। हमें लगता है कि ये पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल इक्वेशन इन जेड। तो पॉलीनोमियल इक्वेशन करने की भूल ना करना। हाँ अगर ये इक्वेशन होती, अगर ये इक्वेशन होती, ये क्या होती, पॉलीनोमियल इक्वेशन होती जेड में, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो पॉलीनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इक्वल कर दिया तो इक्वेशन बन गई, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। इसके तो दो रूट होते हैं, इसकी दो वैल्यू आती पक्का, ठीक है, लेकिन इसकी नहीं कह सकते आप, इसकी नहीं कहोगे, अगर इसकी हमने कह दी तो हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए भाई डिफरेंस, डिफरेंस क्लियर है? यस सर। कॉन्जुगेट की वजह से नहीं कह रहे हैं, कॉन्जुगेट की वजह से, तो इसको दो पे नहीं लगा के आएंगे आंसर, तो पहले इसको जेड को एक्स प्लस आई वाई मान के सॉल्व करेंगे,
फिर बताएंगे इसकी कितनी है। जेड को आप एक्स प्लस आई वाई मान के सोल्व करो, तो एक्स प्लस आई वाई मान के जब हम सोल्व करेंगे और यहां एक्स माइनस आई वाई लेंगे इक्वल टू जीरो, इसको जब सोल्व करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है आई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस आई टू एक्स वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको रियल पार्ट को अलग कर दूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स, बाकी सब में मैं क्या कॉमन ले लूंगा आई टू एक्स वाई प्लस माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये बनेगा। अब कंसेप्ट क्या होता है आपका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट है सेपरेटली इक्वल हो, मतलब इसको भी जीरो लेना पड़ेगा और साथ में आपको एंड एंड वर्ड से अटैच करना पड़ेगा, तो 2x माइनस वाई है इसको भी जीरो लेना पड़ेगा। तो पहले ये इजिली सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसके फैक्टर बन जाएंगे, दोनों एक साथ लेके चलनी है चीजें, तो जब दोनों एक साथ चीजें लेके चलोगे तो क्या आएगा, y कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस वन जीरो आएगा, यहां से क्या आएगी y की जीरो आएगी और x की हाफ आएगी। एंड लेके चलना है, एंड क्योंकि यहां एंड अटैच है, दोनों इक्वेशन लेके चलोगे यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स है जीरो होगा। अब दो बनेंगे आपके पास केस, एक तो ये वाला केस बनेगा नंबर वन, नंबर टू ये वाला केस बनेगा, ठीक है। पहले पहला पहले वाला केस, नंबर वन केस, जब वाई जीरो हो, जब वाई जीरो हो, कुछ गलती कर दी क्या? हेलो सर, हम इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, जेड स्क्वायर को जेड जेड बार भी तो लिख सकते हैं, जेड नो नो नो, वो मोड जेड स्क्वायर को लिख सकते हो, मोड जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं, ऐसा जेड स्क्वायर को नहीं। ओके सर, तो अगर हम y जीरो ले रहे हैं तो ये बन जाएगा जो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस एक्स जीरो है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो प्लस एक्स बराबर जीरो, एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस वन जीरो, एक्स जीरो आएगा और एक्स माइनस वन आएगा। जो सॉल्यूशन होते हैं एक्स कॉमा वाई होते हैं, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है ना, जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, तो सॉल्यूशन दो आएंगे, जीरो जीरो आएगा और जीरो और माइनस वन आएगा, तो इसकी वजह से तो दो निकल गए, इसकी वजह से दो निकल गए। ओ सॉरी, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, जीरो जीरो और माइनस वन कॉमा जीरो, इसकी वजह से दो निकल गए। अब उसकी वजह से देखो एक्स को क्या रखना है, हाफ रखना है। अगर एक्स है आपका हाफ, इस इक्वेशन में रखो तो वन बाय फोर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस हाफ जीरो आएगा, तो वाई स्क्वेयर आएगा चार लघुत्तम आ गया, एक प्लस दो तीन बटे चार आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, रूट थ्री बाय टू प्लस माइनस करके, तो सॉल्यूशन कितना आएगा, वन बाय टू रूट थ्री बाय टू और वन बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए यहां पर, चार आ गए, ठीक है। अगर इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, पहले वाला एक लिखा जाएगा जेड इक्वल टू जीरो प्लस जीरो वाई, दूसरा लिखा जाएगा माइनस वन प्लस जीरो वाई, ये जीरो प्लस जीरो आई, ये माइनस वन प्लस जीरो आई। अगर तीसरा लिखना हो मुझे जेड इक्वल टू हाफ प्लस रूट थ्री बाय टू आई, चौथा लिखना हो तो मुझे हाफ माइनस रूट थ्री बाय टू आई, देखो चारों लिख दिए मैंने,
ठीक है, क्या कोई ओमेगा भी है इसमें, क्या कोई ओमेगा भी है कोई? लास्ट वाला सर, वन माइनस रूट थ्री बाय टू आयोटा ओमेगा है ये, बताओ ओमेगा कितना होता है, याद है ओमेगा? माइनस वन होता है, माइनस वन बाय टू होता है ना? हाँ, ओमेगा होता है कितना? माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाय टू होता है। और अगर माइनस ओमेगा देखना हो तो वन माइनस रूट थ्री आई बाय टू, ये कितना है? माइनस ओमेगा है। और ये कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है क्या? ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं है ये, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाय टू है तो है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो इसके रूट कौन कौन से हैं? एक तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक जीरो, एक माइनस वन। कैसे यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं इसके रूट? नहीं, यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं। समझ गई बात को? तब लाई करते अगर माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब आ जाता। हाँ, फिर करते, क्योंकि जीरो आने की वजह से गड़बड़ होगी, हाफ उसकी वजह से गड़बड़ होगी। माइनस वन तो ठीक है, माइनस वन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जीरो की जगह तीन तो यूनिट सर्कल पे है, चौथा जीरो ओरिजिन पे है, ठीक है। तो अब जब आप है ना, जेड की वैल्यू है यहां पर माइनस ओमेगा रखोगे यहां पर, पक्का ये सेटिस्फाई होगी, पक्का सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। तो चार रूट सेटिस्फाई करेंगे इसको। हाँ जी, एक बार वो जो बाउंड्री वाला बताया था, तीनों पॉइंट बताए थे, उसके बाद में क्या वर्जित थे, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके रूट क्या यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं ना, क्योंकि इसका मॉडुलस जीरो है, इस वजह से लाई नहीं करते यूनिट सर्कल पे। तीन रूट है यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं, क्योंकि तीनों का मॉडुलस कितना है? वन है। यस, ठीक है सर। यहां नंबर ऑफ रूट निकालते वक्त है सावधानी बरतनी है कि कितने रूट आएंगे कितने ना आएंगे, पूरा केयरफुल रहना आपको। मतलब हम सीधे नहीं बता सकते रूट इसमें इतने आएंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो आप बता दे सकते थे। एक एक सर कोई ऐसा होता था डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार करके, कुछ ऐसा था रिजल्ट उसमें? वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की आखिरी रिजल्ट है वो, नहीं जैसे ये दे रखा रहता है ना, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार, पता नहीं कैसे याद नहीं आ रहा है ना। ऐसा कोई रिजल्ट है? ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर निकालने के लिए, कोई रिजल्ट नहीं है ऐसा। हेलो सर, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारा माइनस ओमेगा और क्यूब रूट ऑफ माइनस वन में आते हैं वो। हाँ, माइनस ओमेगा आते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर आते हैं और माइनस वन आते हैं सर। तो जो प्रॉपर्टीज nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए ट्रू था, वो माइनस वन के लिए भी ट्रू होगा क्या? ना, उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, और इसके एक्चुअली जो रूट्स थे वो nth रूट ऑफ यूनिटी के वन अल्फा अल्फा स्क्वायर इस टाइप से थे, तो जो माइनस वन के हैं वो तो थोड़े अलग से आ रहे हैं, तो वो अलग ही आएंगे वन इसमें वो आएंगे ना, माइनस अल्फा स्क्वायर इस फॉर्म में आएंगे। अच्छा, माइनस अल्फा स्क्वायर इस फॉर्म में आएंगे। हाँ ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। हाँ, जब ऐड करेंगे तो अलग प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें जो ऐड करो आप है कितना सम आएगा, जीरो ही आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस वन आ जाएगा, तीनों का लिया था जब हमने, वहां तीनों में प्लस वन आ रहा था। ठीक है, आप ड्राइव भी कर सकते हो इनको, तो वही पोलर फॉर्म लेके
आप ड्राइव करना nth रूट ऑफ यूनिटी, देखना क्या प्रॉपर्टी मैच कर रही है ड्राइव करके पूरा। क्या जीपी बनाता है, क्या सबका सम आता है, 1-0 आता है, क्या प्रोडक्ट वो आता है, सारी प्रॉपर्टी देखना। क्योंकि पोलर फॉर्म जब हमारे पास अवेलेबल है ना, कुछ भी प्रॉपर्टी देख लो आप, उसे तो बहुत आसान हो जाता है पोलर फॉर्म से। तो इसकी पहले पोलर फॉर्म लिख दो, फिर 2kπ ऐड कर दो, हाँ। से कर दो, फिर जीरो वगैरह लेके सारे कर लो। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बस, ये फिर टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हो जाएगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है हमारी जेड क्यूब प्लस मोड जेड इक्वल टू जीरो इज 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। कितने रूट्स हैं इसके बताओ। क्योंकि अब इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जेड की जगह अगर आप एक्स प्लस आई वाई मानते हैं तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन की फॉर्म में जाएगा। तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन की फॉर्म में जाएगा। हाँ क्यों जाएगा बहुत बड़ी फॉर्म में ये? क्योंकि अगर जेड को आप है ना एक्स प्लस आई वाई मानते हैं यहां पर, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ये बहुत बड़ी फॉर्म लेगा क्योंकि एक्स प्लस आई वाई की क्यूब बनेगा। हालांकि उस तरीके से भी हम निकाल तो सकते हैं लेकिन क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल है यहां पर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्रिक यूज कर सकता हूं इसमें, तो जेड क्यूब है माइनस जेड कॉन्जुगेट के बराबर है, ठीक है, इसके इक्वल है। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उनकी मॉडुलस वैल्यू भी इक्वल होती है। तो जेड क्यूब किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो इनकी मॉडुलस वैल्यू भी इक्वल होगी। तो मैं दोनों साइड अगर मोड अप्लाई कर दूं, यहां से कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा, तो दोनों के मोड भी बराबर होंगे पक्का। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं जेड के मोड का क्यूब और जेड के कॉन्जुगेट का मोड और जेड का मोड है, दोनों इक्वल आते हैं, इक्वल आते हैं, प्रॉपर्टी है। माइनस का मोड है खत्म हो जाएगा, तो मोड जेड लिख सकता हूं। तो एक साइड ले जाऊंगा इसको, तो मोड जेड मैं इसको कह सकता हूं मोड जेड स्क्वायर माइनस 1-0। दो केस बनेंगे, या तो मोड जेड जीरो बनेगा या मोड जेड स्क्वायर 1 बनेगा। तो यहां से मोड जेड क्या बनेगा? 1 बनेगा, ठीक है। तो मोड जेड है 1 बनेगा पक्का। क्यों बनेगा मोड जेड 1? क्योंकि माइनस 1 तो बन नहीं सकता, मोड पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, नॉन नेगेटिव। अगर मोड वैल्यू 0 है तो जेड 0 आएगा, तो जेड 0 आएगा। एक सॉल्यूशन तो मिल गया 0, वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है इस इक्वेशन को, क्योंकि 0-0 कंजुगेट वो है। दूसरा सॉल्यूशन क्या मिलेगा? मोड जेड इक्वल टू 1 मिलेगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। तो जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी आएगी? 1/z, क्योंकि जेड 0 नहीं है ना यहां पर, क्योंकि जेड 0 नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ऐसा, मोड 1 अभी 0 कैसे हो जाएगा? इस इक्वेशन में रखो फिर ये, तो जेड क्यूब प्लस 1/z 0। तो ये इक्वेशन बन गई जेड की 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल बन गई, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने बन गए? 4।
कैसे निकाल लेंगे इसके रूट फोर, जेड इक्वल टू माइनस वन की वन बाय फोर, फोर्थ रूट ऑफ माइनस वन, पता है हम पोलर फॉर्म से निकाल लेंगे। तो चार तो यहां अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है, तो कितने आ जाएंगे, पांच। समझ आ गया प्रोसेस? सर इसकी डिग्री फोर आ गई लास्ट में, तो यहां से भी बोल सकते हैं कि फोर सॉल्यूशंस ही आएंगे। हाँ फोर ही आएंगे, वो तो मैं निकालने का प्रोसेस बता रहा हूँ बस आपको जी। अगर नंबर ऑफ रूट पूछता है ना तो सीधे बताने हैं आपने, आपको सॉल्व थोड़ी करने हैं, सॉल्व नहीं करने हैं वो। अब पिछले क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते थे हम, पिछले क्वेश्चन को भी एग्जैक्टली इस तरीके से कर सकते थे, बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, वहां भी यही आता, मोड़ ले लेते दोनों साइड में, यही बनता, क्योंकि ये क्वेश्चन था पिछला, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करते तो कितना आता, इसको सॉल्व करते या तो मोड़ जेड जीरो आता या मोड़ जेड वन आता, एक तो आ जाता जेड जीरो सोल्यूशन, दूसरा क्या आता, इसको मोड जेड स्क्वेयर इक्वल टू वन कह सकता हूं, जेड जेड कॉन्जुगेट वन, तो जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू वन बाय जेड यहां रख देता इक्वेशन में, सॉल्व करता तो जेड क्यूब प्लस वन जीरो, तीन यहां से आते एक यहां से, तो चार आते। समझ आ रही बात? ऐसे क्वेश्चन में सर जेड बार हटाना होता है ना सर? हाँ जेड बार हटा दे और उसके बाद जितना पावर है उसी को मतलब बता दे कितना ही। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना, यहाँ से आ गया ना जेड प्लस वन बाय जेड जीरो, तो जेड क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई ना अभी, ये पॉलिनोमियल नहीं थी, ये पॉलिनोमियल नहीं है कि कंजुगेट आ रहा है, ठीक है ना। तो जेड जेड बार की वैल्यू यूज कर देना वन बाय जेड इस इक्वेशन में, ये वैल्यू। समझ आ गया ना भाई? जी हेलो। हाँ हेलो सर, क्या कह रहे हो? जेड क्यूब माइनस क्या कर रहे हो? सर और भी कराऊंगी क्या कुछ? जेड क्यूब माइनस वन कैसे बन गया? जेड जेड क्यूब प्लस वन बनेगा ना, क्योंकि ये देखना यहां रखनी है ना, ओरिजिनल इक्वेशन आपकी ये थी जेड स्क्वेयर प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, तो जेड स्क्वेयर प्लस वन बाय जेड जीरो बनेगा, तो जेड क्यूब प्लस वन बाय जेड जीरो बनेगा, तो जेड क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो बनेगा, तो जेड क्यूब इक्वल टू वन बनेगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी इक्वल टू माइनस वन बनेगा, तो इसका माइनस वन का थर्ड रूट निकालना है। एक वो भी तो है जीरो रूट, चौथा ये रहा, जीरो भी तो निकाला था मैंने, दो चॉइस हुई थी ना, मोड जेड जीरो है तो जेड जीरो आएगा ना। अब तीन रूट तो यहाँ मुझे पता चल गए इसके, कौन कौन है, माइनस वन है, माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, वही निकाले थे हमने, चौथा रूट कौन है, जीरो है, तो चार रूट हमें दिखाई दे रहे हैं।
पिछली वाली जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब यही आता है यही आए थे यही आए थे सेम सेम आए ना सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसका फिर आंसर फाइव रूट है हाँ फाइव रूट आएगा फाइव ही आएगा प्रोसेस ये कहता है एक फालतू आएगा हमेशा सर और भी कराओगे कुछ अब हाँ जेड क्यूब प्लस नोड जेड के देखो तीन तो वैसे ही थे रूट दिख रहे थे इसकी वजह से अब दो आएगा तो जीरो की वजह से एक वन बाय जेड लेने की वजह से है ना तो ये कोई भी इक्वेशन हो मतलब इससे दो फालतू रूट आते हैं जितना यहाँ होता है मान लो दो है तो चार आ जाएंगे तीन है तो पांच आ जाएंगे इस फॉर्म का है अगर मान लो इसके पूछे वो जेड फाइव प्लस मोड जेड इक्वल टू जीरो के तो कितने आ जाएंगे सेवन आ जाएंगे अगर माइनस लग गया सर बीच में तो भी सेवन आएंगे और अगर कुछ मल्टीप्लाई में है कोई अगर मल्टीप्लाई में टू थ्री आई वगैरह है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस ये ना हो कोई ऐसी जेड क्यूब इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए पर अगर आपकी इस तरह की इक्वेशन है तो इंटरेस्ट टू पावर एन प्लस जेड अगर अगर सर जैसे जैसे सर हाँ। जैसे ये दे रखा हो सबसे पहले हम जीरो जीरो पुट करते कि जीरो का कंजुगेट जीरो होता है हाँ। फिर उसके बाद जेड बार को वन अपॉन जेड कर दें हाँ। उसको सॉल्व कर ले दोनों एक एक ही हाँ, साथ जेड बार है वन बाय जेड होगा बिल्कुल सही है जी सर इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं जेड की पावर एन प्लस जेड कंजुगेट हो तो एन प्लस टू रूट हाँ, हाँ अगर जेड की पावर एन और प्लस माइनस कुछ भी हो जेड कंजुगेट हो इसके रूट बताने हो तो इसके नंबर ऑफ रूट्स आएंगे एन प्लस टू हाँ एक तो पक्का जीरो रूट होगा एक तो जीरो रूट होगा जेड जीरो आएगा पक्का और एक क्या आएगा जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट वन बाय जेड पुट करके सर सर हाँ जो जो ओमेगा लिखते हैं ओमेगा किस किसको देखकर लिखते हैं सर इस नंबर को देखकर जैसे पहले वाले माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाय टू पूरा प्रूफ दिया था इसको ओमेगा कहते हैं हम और ओमेगा स्क्वायर किसे कहते हैं इसको माइनस ओमेगा किसको बोलेंगे मल्टीप्लाई कर दे माइनस से क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं चलती है एग्जाम में माइनस ओमेगा स्क्वायर किसे कहते हैं इसको ये इस इक्वेशन के रूट होते हैं इसके या इसके कह सकते हो आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं ये तो इसको सॉल्व करते हैं देखो ये मिलेगा दूसरा ये मिलेगा और ये वाले नीचे वाले किसके होते हैं कौन सी इक्वेशन के होते हैं नीचे वाले ये दोनों किसी इक्वेशन के होते हैं ये होते हैं जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन वाली के ये इसके होते हैं और वो उसके होते हैं दोनों रूट ही नेम है इनका ठीक है तो हमने इसको निकाला था उस तरीके से अलग तरीके से क्योंकि वो जो इक्वेशन थी आपकी जेड क्यूब माइनस वन थी उससे तीन रूट आते थे वो जो इक्वेशन थी जेड क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो इससे तीन आते थे क्यूब रूट ऑफ वन बाय थ्री इसको हम क्या ऐसे लिख सकते क्या लिख सकते हैं एक तो वन आ जाएगा दो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे सिमिलरली जो ये इक्वेशन थी इसको क्या हम ऐसे लिख सकते क्या लिख सकते हैं
एक तो माइनस वन आ जाएगा और दो इससे आ जाएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। जी सर ठीक है ना, चाहे आप इससे निकाल लो तो भी बात बराबर है। फॉर्मूला नहीं होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइयो। नहीं नहीं सर वो नहीं, जो इधर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से लिखी है ना आपने, ये उससे लिखी है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको माइनस ओमेगा आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन कैसे बनाई से जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन इक्वल जीरो, इसको सोल्व करियो जेड की वैल्यू निकालियो कितनी आएगी, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू आएगी, वही तो आएंगे। ओके सर अगर दोनों रूट पता हो हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि सम निकालो प्रोडक्ट निकालो, सम कितना आएगा इसका इनका, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस वन के बराबर, प्रोडक्ट कितना आएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होती है वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी आती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वहां से आ जाएगी। नीचे वाला में माइनस होगा सर, ये ए क्यूब का फॉर्मूला माइनस ए बी, क्योंकि रूट पता तो क्वाड्रेटिक लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पता हो तो रूट निकाल सकते हैं, रिवर्स होता है ना वो। जी सर चलिए ठीक है, फिर कल हम करेंगे इसकी टोपोलॉजी ऑफ सी। हाँ कांक्षा रियल में जो लेटेस्ट भेजे आपने वो क्वेश्चन था वो आपका, एक मिनट फाइन नेक्स्ट बाय रूट एम ये था साइन एन एक्स बाय रूट एन था, ठीक है ये आपका एफ एन एक्स है साइन एन एक्स वाई रूट एन, इंटरवल आपका जीरो से टू पाई, ओपन है क्लोज, क्लोज है ना, हाँ ठीक है, लिमिट निकाली तो जीरो आएगी, ठीक है फिर एम एन लगाया आपने सर, डिफरेंशिएशन लगा दो जल्दी हो जाएगा क्या, डिफरेंशियबिलिटी वाला लगा दो जल्दी हो जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी एफ एन डैश एक्स पहले एफ एन डैश की एक्स कितना आ रहा है कॉस एन एक्स इंटू एन रूट एन कॉस एन एक्स आ जाएगा ना जी, हाँ और जीरो पे आ जाएगा ये रूट एन, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो किस पे जाएगा ये इन्फिनिटी पे जाएगा, हाँ और हमारा एफ एक्स तो जीरो आ जाएगा, एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, हाँ वहां से क्या है ये नॉट यूसी है, मतलब कंट्रा पॉजिटिव डिफ्रेंसिबिलिटी थ्योरम लगाई है ना हमने, हाँ कंट्रा पॉजिटिव ऑफ डिफ्रेंसिबिलिटी थ्योरम से क्या आ रहा है नॉट यूसी आ रहा है, सही बात है, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ डिफ्रेंसिबिलिटी थ्योरम प्रेजेंट था क्या, डिफ्रेंसिबिलिटी थ्योरम क्या थी हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम हमारी ये थी कि एफ एन एक्स कैसी सीक्वेंस है, ये है सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस है,
हाँ और आगे क्या थी इफ इफ ये कन्वर्ज कर रही है एफ एक्स पे हाँ एफ एन एक्स है कन्वर्ज कर रही है एफ एक्स पर यूनिफॉर्मली देन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एफ एन डैश एक्स है इक्वल होएगा एफ डैश एक्स के ये थी yes, और एफ एन डैश की एफ एन डैश के ऊपर कोई कंडीशन है क्या लिखी हुई लाइन बताइयो सर ये रिजल्ट इफ देन के लिए है बस एक मिनट मैं थ्योरम पूरी देखता हूँ मैं डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम देखता हूँ पूरी क्योंकि अगर इफ देन के लिए तो फिर तो ये चीज यहाँ पे नहीं लगेगी ना कन्वर्स तो ट्रू नहीं होगा कन्वर्स ट्रू नहीं है कंट्रापोजिटिव तो होगा कंट्रापोजिटिव ही लगा रहे हैं हम इसमें हाँ अगर ये नॉट इक्वल हो गया तो ये यूसी भी नहीं होगा हाँ शायद क्योंकि कुछ ऐसा गिवन नहीं है कि क्लोज डे क्या है पर मैम आपका इसमें वो कैसे आ गया था एमएन टेस्ट आपका पास कैसे हो गया मेरा तो नहीं पास हुआ था एमएन टेस्ट मैम पहले सुन लीजिए जैसे एम एन लगाती है ना तो वहां से समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन हो जाएगा जब पी इज ग्रेटर देन वन पे कन्वर्ज करेगा तब लगेगा इन्फिनिटी नहीं वहां लगाएंगे वो सीरीज देखी जाती है सर वो वेस्ट्रास नहीं लगा रही है मैम अब हाँ वो दूसरा वाला है सर वेस्ट्रास बोल रहे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ही देख रहा हूँ मैम ये सीरीज का क्वेश्चन है इसमें एक रिजल्ट दिया तो है मैम इसमें हम मैंने इसको कैसे फेल किया था ना एम एन देखो 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 हाँ स्टेटमेंट ये है स्टेटमेंट ये है इस रिजल्ट की If a sequence of पूरा लिख देता हूं मैं टेक ही If a sequence of functions f and x defined on a set A On a set A converges uniformly to F such that each Fn is differentiable on A, then F may or may not be differentiable on A. Further,
फर्दर इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए देन it is not necessary that the sequence f and dash x converges to f dash x at each x belongs to a. ये रिजल्ट है, ठीक है. सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन में क्या होता है, अगर यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि लिमिट फंक्शन आपका डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर लिमिट फंक्शन डिफरेंशियबल हुआ तब भी जरूरी नहीं है कि लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एफ एन डैश एक्स एफ डैश एक्स के बराबर आएगा, बराबर आ भी सकता है और नहीं भी. ये थ्योरम है इंटीग्रेशन में तो ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में ये थ्योरम है, समझे. समझ आई बात अब सर? फिर तो ये डिस्कार्ड करने के काम ही नहीं आ पाएगी. ना ना ना, जैसे कंट्रा कंटिन्यू, ये डिस्कार्ड करने काम नहीं आएगी. इसीलिए फिर क्वेश्चन हो रहा था सर. देखो आपने सेंड सही किया है, आपने एफ एंड एस एक्स, आप फिर डिस्कार्ड थोड़ी कर सकते हो अगर ये बराबर नहीं आए तो. अगर ये बराबर नहीं आए आप कह सकते हो, क्योंकि मे और मे नॉट हो गया ना यहाँ पर, यहाँ नॉट नेसेसरी लिखा है. अगर यहाँ पक्का होता ना, ये होता लिमिट एंड टेंड टू एफ एंड डैश एक्स एफ डैश एक्स के बराबर आएगा, तो आप कंट्रा पॉजिटिव लगा देते. सर ये फर्स्ट मार्च को करवाया था, और सर फिर उसमें हम चेंजेस कर लें, उसमें हमने लिखा था इज इट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. मैंने ये लिखवाया था, अगर ये है ये बराबर नहीं आता तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है. हाँ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली तो बात ही नहीं की थी. यूनिफॉर्म के लिए नो लिखा था तो वो चेंज कर दें सर फिर. हाँ यूनिफॉर्मली की बात ही नहीं की थी हमने, एक्चुअल वेट किया था कंट्रा पॉजिटिव वहां लगाया था यूनिफॉर्मली का डिफरेंशिएबिलिटी वाले पे हमने लगाया था, एक तो कॉन्टिन्यूटी वाले पे लगा दिया था और एक लगा दिया था हमने किस पे, इंटीग्रेशन वाले पे. उसको ठीक कर लो, अगर लिखा है तो ठीक कर लो. जी सर आपने उस टाइम ये बोला था ना इनकम्प्लीट है वो स्टेटमेंट, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपने बोला था. ओके उसको ठीक कर लो सर. हाँ जी. एक ना जो ये ब्रेकिंग वाले एफ एन एक्स है ना, हाँ. उनमें बहुत दिक्कत जा रही है. आपने सर पिक्चर बना के बताया है हर एक एफ वन एक्स का एफ टू एक्स का, सर उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते लिमिट एंड डायरेक्टली मतलब... होते ना वो डायरेक्टली होते ही नहीं, पता नहीं चलता ना, कईयों में पता चलता कईयों में नहीं चलता. हाँ सर बहुत सारी जगह क्लासेस हो रही है सर, वही इंटरवल रिपीट हो रहे हैं कई बार. और सर एक क्वेश्चन था सर वर्क बुक में, सर वहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट की ना तो एक बार एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो वैल्यू आ रही है और एक बार इन्फिनिटी आ रही है, तो ऐसे. और सर वो फिगर जो पिक्चर वाला मेथड है ना वो मेरे को समझ में नहीं आया. सर जो आपने ये वाले क्वेश्चन में आपने क्या बताया कि मतलब ये फिर हम यूसी बोलेंगे इसको? हाँ यूसी है क्योंकि बाय डेफिनेशन लग रही है ना इसके ऊपर, ये क्वेश्चन बाय डेफिनेशन से यूसी है क्योंकि कटेगा नहीं ना ये. सर लेकिन हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारा देखो 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 कुछ कर रहा है एफ डैश देखो, एक्स देखो, देखो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स देखो नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स. अगर देखो ये क्या है, बराबर भी आ सकता है, ये इक्वल भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, मे और मे नॉट हो सकता है, ये भी हो सकता है. अब आपका ये केस आ रहा है तो कन्वर्स ट्री थोड़ी है, कन्वर्स ट्री नहीं है. पर
अगर ये होल्ड लग जाएगा ना इसमें जो हमने इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बनाओगे, स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव क्या बनाओगे बताओ। नहीं सर वो इसका नहीं, एक जो हमारा स्टेटमेंट था कि अगर एफ एन एक्स कोई भी सीक्वेंस है डिफरेंशियबल फंक्शन का और एफ एन कन्वर्ज करता है एफ एक्स पे यूनिफॉर्म।